देखिए, जाहिर सी बात है, हर खिलाड़ियों को एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, स्पोर्ट्स की मतलब स्पोर्ट्स फील्ड की ज़रूरत होती है, स्टेडियम ज़रूरत होती है। तो इतना बड़ा जो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, सभी खिलाड़ियों को चाहिए कि वो इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो उनको कमियाँ लगती थी अपने गेम में, जो ग्राउंड की उनको कमी लगती थी, यहाँ पर आकर उसको पूरा करें। ये बना ही सबके लिए है, और हम शुरू से जानते थे कि बनारस है वो पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है, स्पोर्ट्स का और हब है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो इन्होंने इतना बड़ा उपहार सौगात दिया, उसके लिए मैं उनको पहली बात तो धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्लेयरों को लाने के बाद, मतलब जब भी मेडल लेके आते हैं, उनको नौकरी देके उनके करियर को इतना सुधारा है। तो ये अगर देखा जाए तो एक खिलाड़ियों का स्वर्णिम युग चल रहा है, और ख़ास तौर से हमारे यूपी के लिए और पूर्वांचल के लिए। अब जितना उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर भूख कितनी है मेडल जीतने के लिए, और अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए उनके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जी, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जो भी खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो हॉकी के हों चाहे किसी के हों, बस वो मेहनत करें और अपने जिम्मेदारियों को समझें और अपने आप से ईमानदार रहें। और रही बात इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने के बाद, उनको तो और खुश होना चाहिए। जैसे कि कोई नई चीज़ मिलती है तो जितना ज़्यादा उसको यूज़ कर लो उतना अच्छा है। तो बस ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें और अपने परफॉर्मेंस को सुधारें और देश के लिए मेडल लाएं।